बात करें बिनौला खल की, बिनौला खल का दिसंबर में आता देखने की 2455 पर कारोबार कर रहा है 1.5% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का दिसंबर वायदा आज शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने बिनौला खल की कीमतों को 2500 के ऊपर जाते हुए देखा था, पूरे हफ्ते 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चला था, लेकिन अब देखने की मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल पहले हमने बिनौला खल में देखा था कि जो कॉटन है, कॉटन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिला था, लेकिन अब कॉटन की जो कीमतें हैं कहीं ना कहीं सुधरती आई हैं। कल कॉटन की कीमतों में एक स्थिरता देखने को मिली थी, जानकार ने बताया था कि 28,000 के लेवल्स बहुत ही जल्द छूते नज़र आ सकते हैं, 28,000 के लेवल्स अचीव हो गए हैं। और अब जो जानकार है कॉटन में आने वाले दिनों में 29,000 यानी कि 29,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कपास की जो मांग है विदेशों में काफ़ी बढ़ रही है, जैसे कि टर्की हुआ, चाइना हुआ, और अपने घरेलू स्तर पर भी कॉटन की मांग है, और पाकिस्तान की तरफ से भी हमारी इंडियन कॉटन की मांग निकल के सामने आ रही है। दूसरा, जो कॉटन की जो फसल है, कपास की जो फसल है, वो बारिश की वजह से उसको काटने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से मंडियों में आवकों में देरी हो रही है कपास की। और दूसरा, कई राज्यों में पिंक बॉल वॉर्म नाम का जो कीट है कपास की फसलों पर लगा है, जिसकी वजह से कपास की जो कीमतें हैं एकदम से उछाल मारी हैं और किसानों को कपास की फसलों में नुकसान हो रहा है। अच्छा ही होगा कि अगर किसानों को उनके उचित दाम मिल जाए, क्योंकि जो फसलें हैं उनकी ज़्यादातर ख़राब हो चुकी हैं कीटों की वजह से। अगर किसानों को अच्छा दाम मिल जाता तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी। और इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ बिनौला खल की भी कीमतों पर हल्का फुल्का पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। जानकार बिनौला खल में नेक्स्ट लेवल 2600 से 2700 का दे रहे हैं।